वेरी वार्म वेलकम विनीता जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीबडी, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड एंड स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर दिस। इट हैज बीन ड्रीम टू सो मेनी पीपल टू कम टू दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर देयर सक्सेस स्टोरी एंड यू गॉट दैट। थैंक यू सर, एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट योर गाइडेंस फॉर श्योर। So, of course, the credit goes to you and the teammates also, क्योंकि आपके teammates को देख के भी आपको inspiration मिलती है, so of course they are also a part of it. So, what was the reaction when you saw the result early morning? मैं नींद में थी सुबह, it was क्योंकि बहुत site खुलने में दिक्कत हो रही थी। एंड आई वॉज लाइक, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप अपने फोन पे चेक करिए, तो उनके फोन पे आया, उन्होंने बोला ऐसे नींद में क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। मैंने कहा ओनली का क्या मतलब है, ओनली क्यों लिखते हैं ये, तो बेइज्जती कर दी। तो बोले फिर आई वॉज हैप्पी एंड माई डॉटर वॉज लाइक मम्मी इतनी जल्दी क्यों उठा दिया, इट्स ओके कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इट वॉज गुड, आई वॉज हैप्पी, मेरी तो नींद उड़ गई। चलिए देखिए, एक दिन के सक्सेस के लिए कितने दिनों की मेहनत पीछे लगी हुई है। श्योर 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 सर, आई एग्री विथ यू। ओके, सो दिस वाज योर विच अटेम्प्ट? दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट बट फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट। लास्ट दो में तो आई वाज लाइक हाँ देख लेंगे, होगा शेक्सपियर, बट देन एज आई टोल्ड यू मेरी फ्रेंड सुनीता, शी kept on nudging me, prompting me, no you have to do, no you have to do. She gave me your contact. I know, I hope you remember. So abhi yes. Like so she is the one who kept me pushing, and of course is bar luck bhi tha, aur is bar maine bhagwan pe chhod diya tha ek bar. मैंने कहा ठीक है जो भी होगा, बिकॉज आई टोल्ड यू एज सून एज द पेपर वॉज ओवर, आई टोल्ड यू कि मैं या तो मैं मार्जिन से आऊंगी या मैं मार्जिन से रह जाऊंगी बिकॉज ऑफ पेपर वन। पेपर टू इज एंडलेस, यू कैन नॉट, उसमें मैसिव नंबर लाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत एंडलेस है वो एंड हाईली अनप्रडिक्टेबल है, और इस बार पेपर वन भी अनप्रडिक्टेबल था। तो अब जो भी तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज पेपर वन पे भी अब उतना ही फोकस करें जितना पेपर टू पे है। एटलीस्ट 2 आवर्स डेली पेपर टू को देने हैं, क्योंकि वो अगर आप अपने कहीं पे अपने सब्जेक्ट में अगर नहीं पूरा कर पाते सिलेबस बिकॉज इट इज वेरी ह्यूज, तो आप पेपर वन से कवर कर लेंगे, आपके मार्क्स आ जाएंगे। एंड सर ने भी कहा था हमेशा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पहले करिए, दे आर वेरी स्कोरिंग, और वो आपको एक कॉन्फिडेंस भी देते हैं, थोड़े इजी भी होते हैं कंपेरेटिव दूसरे क्वेश्चंस के, तो फिर आपका एक मोमेंटम बन जाता है एग्जाम में भी। एग्जाम में प्लीज कभी मैथ के क्वेश्चन से शुरू ना करें अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो, अदरवाइज है तो इट्स गुड, इफ यू आर इंजीनियर सर के जैसा बैकग्राउंड हो तो मैथ से शुरू करिए, अगर नहीं है तो बेटर कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करिए, दैट्स इट। बिफोर वी गो अहेड, I'd like to request you to share your introduction ताकि लोगों को पता चले कि आप एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ही आप यहाँ पे आई हैं। अदरवाइज लोग कहते हैं कि सर विनीता जी ना लग रहा है कि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, कोई कहता है मैथ बैकग्राउंड से है, तो प्लीज शेयर योर बैकग्राउंड नॉलेज। नो नो, मैं बिल्कुल सिंपल डाउन टू अर्थ फैमिली से हूँ, मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड है और बिल्कुल मेरे कोई ऊंचे ख्वाब नहीं है। थ्रू आउट मैं आर्ट्स स्टूडेंट ही रही हूँ, लिटरेचर हिस्ट्री फिलोसफी सोशियोलॉजी यही मेरा बैकग्राउंड है, मैं मैथ से नहीं हूँ, बट आई लव रीडिंग, रीडिंग मेरा शौक है, और इसलिए आपको शायद लगता होगा वो मैथ्स की है या साइंस की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ही है, बीएड और एमए मेरी दूसरी दो क्वालिफिकेशन है, और अब उसमें नेट जुड़ गया, सो आई एम सो हैप्पी विद दैट। लोग कहते हैं कि सर एक बार शादी हो जाए तो जिंदगी खत्म है, कोई तैयारी नहीं हो सकता, कोई कंपटीशन नहीं हो सकता, बट नहीं हो सकता, योर पार्टनर शुड बी सपोर्टिव इन किचन, वो पीछे से बोल रहे हैं, सो यस यू नीड टू हैव अ सपोर्टिव पार्टनर वेदर यू आर अ मेल और फीमेल। मेल के लिए थोड़ा आसान होता है क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कुक्ड मील मिलेगा, उन्हें सुबह उठ के लंच नहीं बनाना, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बनाना, बट फीमेल के लिए ये चैलेंजिंग होता है, तो
मेक श्योर योर हस्बैंड हेल्प्स यू आउट. आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी आप लीजिए, और नहीं भी होता है तो आपको अगर करना है तो फिर करना है, देन नो इफ एंड नो बट. एक बार अगर आप ठान लेंगे तो आपके आई थिंक कोई मना नहीं करेगा सपोर्ट करने के लिए. इट्स नॉट लाइक दैट एनी टाइम. मतलब मैंने कि जो 79, 80, 60 ईयर्स के हैं वो भी नेट देते हैं, तो हम अभी बहुत यंग हैं, वी स्टिल हैव चांस. Great to hear that. And first of all, a big clap to your husband also for telling his kitchen. Thank you. Actually, very nice. Very good. Okay. So, how many family members are there in your family, jinka take care karna padta aapko? नहीं, अभी तो we are nuclear क्योंकि हमारी दोनों की family जोधपुर based है, but आते जाते रहते हैं and they are also supportive. They know के अभी वो पढ़ रही है तो we should not disturb. तो ऐसा नहीं है, बट यस आई डोंट हैव अ मेड, तो मैं सारा घर का काम खुद ही करती हूँ. तो इसलिए मुझे मेरे हस्बैंड की हेल्प ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि कोई मेरा काम लेगा देन ओनली आई कैन स्पेयर टाइम. झाड़ू पोछा सब खुद ही करती हैं? एवरीथिंग एवरीथिंग ओनली रात में. चलिए, ग्रेट ग्रेट टू हियर दैट. ओके, सो व्हेन यू थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नेट इन इंग्लिश, कब ऐसा दिमाग में आया कि इंग्लिश में नेट करना? लास्ट ईयर आफ्टर आई रिजाइंड, रिजाइन करने के बाद अक्टूबर 22 में आई रिजाइन फ्रॉम माय जॉब, एंड मेरी फ्रेंड है सुनीता, अगेन इट वाज माय बर्थडे एंड शी प्रॉम्प्टेड मी कि आज ही, उस वक्त राजस्थान सेट ओपन डिक्लेयर हुआ था, तो शी सेड मी कि आप नेट का भर दीजिए और वो एक सेट की तरह है, तो आपकी सेट की प्रिपरेशन हो जाएगी. आई सेड इट्स फाइन ओके. तो मैंने तब नेट दिया था एंड सेट में मैं बहुत कम मार्क्स से रह गई थी, सो आई हैड दैट कि नहीं मतलब ये तो निकालना है. सो फिर जून का आई वाज नॉट सो हैप्पी कि सेट रह गया तो ये भी नहीं देते, बट वो भी दिया एंड फाइनली आई न्यू कि जून वाला क्लियर नहीं होगा, तो देन आई केम इन टच विथ यू एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. दैट्स ग्रेट टू हियर दैट. लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं और आप क्रिएट करते हैं. नहीं नहीं सर, सब क्रिएट कर सकते हैं, बस एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए. यू कैन नॉट रिलाई ओल्ड स्ट्रेटजीज, अब काम नहीं करती है कि आप 10 साल के पेपर पढ़ के आप कर लोगे, इट वॉन्ट वर्क नाउ. तो यूजीसी इज वेरी क्लियर कि आपको डीप स्टडी होनी चाहिए, स्पेशली क्रिटिसिज्म और थ्योरी आपको, मतलब आपको खुद को समझ में आ जानी चाहिए. यू नो उसके कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं और घुमा फिरा के वो लैंग्वेज यूज करते हैं, तो आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस अब लेंदी हो गए हैं, दे टेक टाइम, आपको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, तो आपका पेपर टू बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया है. तो आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपकी वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि कई बार वो बहुत टिपिकल वर्ड वोकैब यूज करते हैं टू कन्फ्यूज यू, तो वहां पे दैट कैन बी अ गेम चेंजर. तो जो भी अगर पढ़ रहे हैं तो प्लीज अपनी वोकैब भी आप शार्प करिए, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट. दैट्स अमेजिंग, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि सीरियसली आपने कितने महीने पढ़ाई की? सीरियसली फ्रॉम डे वन व्हेन आई जॉइंड योर क्लास, उसके बाद लाइक हाँ बीच में मेरी हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, तब थोड़ा सा छूट गया था, बट आई वॉज वेरी सीरियस व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग आवर कोचिंग क्लासेस, आई वॉज सीरियस फ्रॉम डे वन. ओके, सो अगर 6 महीने की सीरियसली तैयारी की जाए तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है? हाँ हाँ हाँ, श्योर श्योर. इवन इफ यू आर अ फर्स्ट टाइमर, और अगर आप फर्स्ट टाइम आपका है और फर्स्ट दिन से ही सीरियस है, तब भी इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, आप फर्स्ट टाइम में कर सकते हैं, इट्स डूएबल. ग्रेट. What is the difference between a guided preparation and unguided preparation? Unguided mein you will not be able to set a proper routine. Consistency nahi aati hai unless and until you have high motivational, self motivational level. Aur aap ya to akele ho. You know, when you are free, ke haan chalo, matlab jaise UPSC ke students nahi hote, wo pura din padhte rehte hain. To ya to aap single ho, tab aap kar sakte hain. But guided mein you know ke what what can come up.
जैसे स्पेशली जो लास्ट क्लास थी तो सर गाइडेड अस कि इन 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 को आप एक दोबारा से आप रिवाइज करेंगे ही करेंगे, जैसे माइकल फुकोल्ड है और T.S. इलियट है या जो भी था, है ना, तो दैट हेल्प्स यू अ लॉट, क्योंकि जो इस फील्ड में है वो आपसे ज्यादा ऑब्वियसली जानता होगा एंड वो पैटर्न्स को भी समझते होंगे, तो दैट हेल्प्स यू अ लॉट. सो एज आई कैन सी योर मार्कशीट, तो मुझे देखने में पता चला कि आपके पेपर टू में आपने बहुत अच्छा किया है, पेपर वन थोड़ा सा हाँ. लो है, जनरली लोगों का उल्टा होता है. सो यू हैव गॉट अ वेरी गुड कमांड ऑन पेपर टू. नहीं, मेरे साथ पिछली दो बार से ये उल्टा हो रहा था, मेरा पेपर टू बहुत अच्छा, सॉरी पेपर वन बहुत अच्छा हो रहा था, पेपर टू गड़बड़ हो रहा था, तो आई अंडरस्टूड के पेपर टू इज योर सब्जेक्ट, यू नीड टू हैव अ होल्ड ऑन इट, नहीं तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, आप वहां बच्चों को जाके इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाएंगे, आप उन्हें मैथ्स और ये सब नहीं पढ़ाएंगे. तो एक वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं फिलोसफी की स्टूडेंट हूँ इसलिए मेरे लिए रीजनिंग ईजी था विदाउट प्रैक्टिस, तो वो एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैं रीजनिंग के क्वेश्चन सही गए और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सही गए, तो दैट वॉज अ प्लस पॉइंट. और एक आध मैथ्स का तुक्का चला गया, सो आई वॉज हैप्पी, अच्छा इतना गंदा सम्स भी मैंने कर लिया, सो आई वॉज हैप्पी. जो लोग नेट की तैयारी करना शुरू करते हैं उनका पहला क्वेश्चन होता है कि वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. स्टार्ट फ्रॉम डिपेंड्स, द हार्डेस्ट द बेटर, क्योंकि आप अगर हार्ड की तैयारी पहले कर लेंगे तो कई बार क्या होता है लास्ट तक आते आते मोटिवेशन लूज हो जाता है, जैसे या मेरे साथ जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी तो एक थोड़ा गैप आ जाता है, बट इफ यू हैव डन द हार्ड पार्ट फर्स्ट तो आप फिर लास्ट में किसी तरह यू विल मैनेज. कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, टेम्पटेशंस आती हैं, एवरीबडी इज वॉचिंग अ मूवी, एवरीबडी इज गोइंग आउट पार्टिंग, आपका भी मन करता है, बट यू हैव टू हैव कंट्रोल. और एक अपने आप से पर्सनल एक प्रॉमिस करके रखिए कि जब तक मेरा ये नहीं होता तब तक मैं ये नहीं करूंगा या ये नहीं करूंगी, तो एक आपको वो रहेगा कि नहीं मैंने अपने आप को वचन दिया है ना, भीष्म प्रतिज्ञा, तो ऐसी भी आप अगर ले लेंगे तो इट विल मोटिवेट यू कि नहीं बस थोड़े दिन और थोड़े वीक्स और फिर उसके बाद तो सब है ही है, रिजल्ट आएगा जो देखी जाएगी, बट एटलीस्ट वन सेल्फ प्रॉमिस शुड बी देयर. ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस वन शुड डू जो आपने किया. मैंने मैंने अपने आप को सोशल मीडिया से कट ऑफ कर दिया. अब व्हाट्सएप क्योंकि जरूरी हो जाता है क्योंकि स्कूल के मैसेजेस आते हैं, तो वो एक बेसिक मैंने रखा कि हाँ, और अपने ग्रुप के भी मैसेजेस उस पर आते थे. नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नथिंग. अगर आपको यूट्यूब भी देखना है तो आप लिटरेचर से रिलेटेड ही देखिए, कभी कभी मूड फ्रेश करने के लिए गाने सुन लीजिए, दैट्स फाइन. अवॉइड एज मच मीडिया एज यू कैन, सोशल मीडिया एंड सोशल आउटिंग्स भी मैंने बहुत कम कर दी थी क्योंकि इट्स ऑफ नो यूज. अच्छे लोगों से बात करिए, ये आप कर सकते हैं, बट नो गॉसिपिंग, नथिंग एंड जस्ट फोकस, क्योंकि आपको भगवान बार बार चांस नहीं देते हैं मतलब किस्मत या जो भी लाइफ बोलो, अगर आप अभी भी नेट दे रहे हैं तो इट्स गुड, यू स्टिल हैव चांस, तो यूज दैट चांस. ग्रेट, आपको जितने भी होमवर्क दिए जाते थे सब आप हमेशा टाइम से कंप्लीट रखते थे. यू आर द फर्स्ट वन ऑलवेज टू रेज द हैंड कि मैंने कंप्लीट कर लिया. सो हाउ मच टाइम यू डू यू स्पेंड इन द डे टू डे स्टडी. डे टू डे स्टडी व्हेन द रूटीन वाज सेट देन एक पर्टिकुलर टाइम नहीं था, बट एटलीस्ट इनिशियली 6 आवर्स थे, फिर बाद में आई एक्सटेंडेड बिकॉज पेपर टू भी था, तो एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स जितना भी आप दे सकते हैं. और अगर आप वीडियोज नहीं देख पाते हैं, कई बार होता है वर्किंग है, आपको घर और ऑफिस दोनों संभालना पड़ता है, तो एटलीस्ट उस बारे में और ज्यादा रीड कर लीजिए चलते फिरते, या वीडियो देख नहीं सकते तो एटलीस्ट सुन लीजिए, तो एटलीस्ट समथिंग विल गो इन टू योर हेड. स्पेशली थ्योरी और क्रिटिसिज्म के वीडियोज तो डोंट मिस देम, वो आपको फिर बाद में पेपर में लैंग्वेज को समझने में मदद करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन जो है आपको कहाँ घुमा रहा है और ऑप्शंस आपको क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, तो अगर आप देख नहीं सकते तो सुन लीजिए, और नहीं तो उसी बारे में और चलते फिरते आप, और क्योंकि गूगल सबके पास है, वी हैव ह्यूज सोर्स, वी आर लकी कि हम इस एरा में रहते हैं कि एंडलेस है हमारे पास नॉलेज.
जनरली स्टूडेंट कहते हैं कि सर थियरी एंड क्रिटिसिज्म जो है बहुत ही टिपिकल एरिया है, हाउ व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? आई हेट इट पर्सनली, बट कई बार अब दुश्मन को जीतना तो पड़ता है, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक तरह से. बहुत कुछ जीनियस लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोगों की आइडियाज मुझे पसंद नहीं है. इट डजंट मैटर, उसको आपको पार करना ही पड़ेगा. दे आर पार्ट ऑफ द सिलेबस, सो उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और अगर एक बार उनको समझ लेंगे तो इतना नहीं आपको लगेगा. जैसे पैन ऑप्टिकन एक वर्ड है, अब कोई सोचेगा पैन ऑप्टिकन क्या होता है, पर जब आप पढ़ेंगे इट्स वेरी सिंपल. वो एक हाई फाइव वर्ड्स का उसमें ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, तो बात को घुमा फिरा के कहा गया है, दैट्स इट. वक्रोक्ति है वो पूरी. That's good. So how one should start preparing for literary theory and criticism? क्योंकि वहाँ से करीब 40% क्वेश्चन आते हैं वहाँ से. हाँ, वहाँ से एक तो जो सर की बुक है, I highly recommend that, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइस है. प्लस जो वीडियोस हैं उसके अलावा भी, अगर आप जैसे एडवर्ड सईद हैं और जो सर का मटेरियल है PDF फॉर्म में जो है हमारे पास, उससे आपको लैंग्वेज आप समझ जाएंगे कि एडवर्ड सईद क्या चाहते हैं. अब आप ओरिएंटलिज्म जैसे वर्ड आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि किसकी बात कर रहे हैं और क्या. और आप एडवर्ड सईद के बारे में जाके गूगल करेंगे तब भी आपको वो वर्ड्स बार बार, उनके जो दिए गए टर्म्स हैं या उनकी जो थॉट प्रोसेस है, वो आपको रिफ्लेक्ट वापस होती जाएगी. तो आप सुन लेंगे, देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो 3 times एक चीज हो जाएगी, तो इट विल बी देयर इन योर हेड. ब्रिटिश लिटरेचर जो है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, सो हाउ टू टैकल दैट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटजी? ब्रिटिश लिटरेचर जैसे इस बार तो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल था. नो क्वेश्चन ऑन शेक्सपियर, ठीक है, उनका एक छोटा सा पैराग्राफ आ गया था. नो क्रिस्टोफर मार्लो और जो बड़े बड़े T.S. इलियट भी नहीं थे. सो इट इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ सिलेबस. लेकिन अब जो रिसेंटली देखने में आ रहा है, थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म प्लस इंडियन लिटरेचर इज मच मोर फोकस नाउ. तो ब्रिटिश आप करें, जरूर करें, यू नेवर नो कि आपका जो पेपर सेट कर रहा है वो अगर उसका उसमें होल्ड होगा तो डेफिनेटली उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. तो डोंट लेट इट लूज. उसमें पोम्स, आपको लाइन्स उन पोम्स की याद होनी चाहिए, या पोम्स का एटलीस्ट मैसेज आपको क्लियर होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा इसमें कौन से कैरेक्टर्स हैं. जैसे साइकी का क्वेश्चन आया था कि उसमें साइकी क्या है, मॉर्टल वुमेन है या इमॉर्टल वुमेन है. तो इफ यू रीड द पोम, जैसे अगर आप गूगल भी करेंगे, मेजर पोम्स तो हमेशा आपको पता ही होंगी अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे, तो यू विल कम टू नो मेजर पोम्स या मेजर टेक्स्ट कौन से हैं जो हमें पर्सनली पढ़ने चाहिए, पर्सनली कुछ पैराग्राफ्स वगैरह पढ़ने चाहिए. तो वो यू नीड कोचिंग फॉर दैट, यू नीड गाइडेंस. अगर हम पूरे वर्ल्ड लिटरेचर की बात करें, सो हाउ डिड यू मैनेज कि एक लिटरेचर पढ़ने जाते हैं तो दूसरा नॉक नॉक करता है, दूसरा पढ़ने जाते हैं तो तीसरा नॉक करता है? वो तो सर इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सिलेबस. पहले हमने अमेरिकन करा तो वी वर सो लॉस्ट इन अमेरिकन और सब अच्छे से हो गया. फिर इंडियन करा तो वो भी हो गया, पर ब्रिटिश इज वेरी ह्यूज. तो एक तरह से हमारी ब्रेन हैज द कैपेसिटी, और हमको लगता है कि हम शायद भूल जाएंगे, नहीं होगा क्लिक, लेकिन अगर हमने थरोली उस वक्त पढ़ा है तो हमें रटने की जरूरत नहीं है. जैसे अमेरिकन लिटरेचर अगर आपने थरोली पढ़ा है, तो एमर्सन का जो क्वेश्चन आया था, एनीबडी कैन आंसर, मैंने वापस एमर्सन नहीं पढ़ा, बट क्योंकि मैंने उस वक्त उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लिया था तो मैं उनकी आइडियोलॉजी समझ गई. तो जैसी नेचर मतलब एमर्सन, सो इट इज. और वहां थोड़ा अपन को कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है, वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं नेट में, तो यू शुड यूज योर ओन ब्रेन टू. यस, आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तभी आपका तुक्का भी लगेगा. हाँ 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 हाँ, दैट इज फॉर श्योर. इट्स वेरी ट्रू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर एक पूरा स्टडी मटेरियल का पैक हमें बता दीजिए कि क्या एग्जैक्टली हमें खरीदना चाहिए. पेपर वन एंड पेपर टू. पेपर वन के लिए तो KVS मदान वाला इट्स गुड, बट मैथ्स के लिए यू नाउ नीड टू हैव मोर फॉर्मूलाज. आप कहीं और नहीं जा सकते, तो ऑफकोर्स यूट्यूब और गूगल है, ज्ञान भरा पड़ा है मैथ्स के लिए, शॉर्टकट्स भी आ जाते हैं और इस तरह से. और अगर मैथ्स आपका बहुत वीक एरिया है तो फिर आप इस पे फोकस करिए, रीजनिंग पे
और जो पीपल एंड एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे जो आते हैं, फिर आप ये सोच रही कि ये 5 क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करूंगी, मैथ वाला पार्ट मैं उसकी प्रैक्टिस सबसे लास्ट में करूंगी, फिर फोकस आप थ्योरी पे कर लीजिए, तो वहां आप मैक्सिमम कर लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन में कर लेंगे, आईटी में कर लेंगे, आईटी से भी इस बार टिपिकल क्वेश्चंस थे, सो यू कैन डू दैट वेज ऑल्सो। और एक सर की जो लिटरेचर फिस्ट वाली बुक है उसका लेटेस्ट एडिशन रीड एक्स्ट्रा, उसके अलावा भी आप रिसर्च करिए, क्योंकि नेट वाले कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म के लिए आई थिंक मैंने सर के पीडीएफ को ही ज्यादा प्रेफरेंस दी है, और या 2-4 बार मैंने कुछ कॉन्सेप्ट अगर मुझे फिर भी नहीं क्लियर हुए तो आई सॉ हिज वीडियोस, तो क्योंकि कई बार सर जब समझाते हैं तो थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाते थे, तो दैट आइडिया गेट्स इन टू योर हेड, सो देन इट इज ईजी फॉर यू टू अटेम्प्ट क्रिटिसिज्म या थ्योरी वाले क्वेश्चंस। एंड ऑफकोर्स लिटरेचर इज एंडलेस, तो आप प्लीज खुद भी रिसर्च करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड इट विल बी डन। While you are sitting in the exam, my words of the class were resonating हाँ कॉम्प्रिहेंशन पहले करो, हाँ in कॉम्प्रिहेंशन पहले करो फिर, हाँ इट वॉज देयर, एंड कई बार तो यू बिकम ब्लैंक, क्योंकि आपके अगर आपको लगता है ना ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, देन यू स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सोच के अब यार देखो जल्दी करो, द टाइम इज रनिंग आउट एंड समथिंग समथिंग। तो यस आपका लास्ट मोमेंट जो गाइडेंस था, जो हमारी फाइनल क्लास थी, दैट हेल्प मी अलॉट, क्योंकि मैंने उस वक्त फिर वापस इनको रिवाइज करा था, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म को, एंड चार्ल्स डिकेंस से क्वेश्चंस थे, एना कैरेनिना रशियन लिटरेचर, उनसे 3 क्वेश्चन थे, सो लास्ट मोमेंट जो गाइडेंस मिली इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। Obviously, we want more such captains in the next exam, but your motivation will drive them away. That is very important. नहीं सर, इट्स नॉट जस्ट मी, है ना, तो वो देव कृपा है मेरे पे, तो दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग, बट यस गाइडेंस इज नेसेसरी एंड कंसिस्टेंसी। How do you handle your children, your husband, your study all together, balance? माय चाइल्ड इज इन ग्रेड 6 अभी, तो वो अभी थोड़ी बड़ी है, तो उसको ये नहीं कहना पड़ता कि लाइक यू नो खाना हाथ से नहीं खिलाना है, पढ़ाई में उसकी मैं नहीं देख पाती थी टू बी फ्रैंक इनफ, तो आई लेफ्ट इट ऑन माय हस्बैंड, एंड मैं उस पर एकेडमिक प्रेशर शुरू से ही नहीं करती, तो आई वाज नॉट टेंस अबाउट स्टडीज एंड ऑल, बस हाँ कभी उसको फीवर वगैरह होता है तो देन थोड़ा सा वरी होता है बच्चों का हेल्थ का, और माय हस्बैंड इज टच वुड वेरी सपोर्टिव सिंस बिगिनिंग, सो ही इज देयर Because विदाउट as I remember, as I recall, जब भी मेरा क्लास में सवाल होता था, you are the first one to raise the hand. Fastest finger हाँ first. यस सर एब्सोल्युटली मेरी यस, टीए के सबसे पहले हाथ खड़ा कर दो, जवाब आता है नहीं आता हो तो बाद में डिसाइड करेंगे, फर्स्ट हाँ फास्टेस्ट जवाब गलत भी फिंगर हो सकता है मेरा। थैंक फर्स्ट. That's a brilliant quality I really like in you. पहले यू, थैंक यू सो मच सर। पहले आप जिम्मेदारी ले लो, फिर सोचो कि जिम्मेदारी को पूरा कैसे करना है. हाँ, ये मैंने मेरे हस्बैंड से सीखा है, क्योंकि उन्होंने क्या मुझसे शादी बात करके जिम्मेदारी तो ले ली, अब निभाएंगे देखेंगे। चलिए, वी लाइक टू हैव अ बिट ऑफ इंटरेक्शन विद योर हस्बैंड आल्सो इफ ही इज देयर. That's my husband, Mr. Vijay Sharma. हाय अंबिका. हाय सर. हेलो सर, वेलकम. यस, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस. वेलकम टू दिस सेशन. वाज अ We wanted to listen your view, your experience of this entire journey. ट्रीट द जर्नी व्हिच आई सॉ वाज लाइक इट वाज अ टोटल लाइक स्टूडेंट एटमॉस्फियर एट होम. लाइक डॉटर वाज गोइंग टू स्कूल, शी वाज स्टडिंग, I was the only culprit. So, last 6 months went like that only. How did But you finally, manage all these things? like sir, it was quite easy for me. Like cooking is my hobby, तो मुझे वो वाह, दिक्कत नहीं थी कि I was not treating myself as substitute. तो ग्रेट. my daughter always call me chef, and her mother has cooked. तो कुकिंग का मुझे बहुत चांस मिला.
आई वॉज एंजॉइंग माई कुकिंग. तो इसका बेस अच्छा है दैट आई कैन टेल. ऑल दो 10-12 साल से पढ़ाई छूट चुकी थी बट पढ़ना नहीं छूटा था दैट आई कैन से. एक हमारा इसी ने बनाया हुआ घर का सिस्टम है, मेरा नहीं है. तो जैसे हर महीने आपके घर का सामान आता है तो घर के सामान के साथ इसकी किताबें आती रहती है. क्या बात तो वेन एवर शी प्लान हर ग्रोसरी लिस्ट, शी प्लान टू बाय बुक ऑल्सो फॉर डॉटर, समटाइम्स फॉर मी एंड रेगुलरली फॉर हरसेल्फ. तो पढ़ना तो कभी बंद हुआ नहीं था. सब्जेक्ट स्टडीज यस, वो ग्रेजुएशन के बाद एक लंबा टाइम आ गया था. तो वो रेगुलर रीडिंग की वजह से सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट था. तो हम कभी कभी, मैं और बेटी, टीज करते हैं कि ज्यादा पढ़ने वाले लिखने वालों को पढ़ते रहते हैं. तो मैं बेटी को कहता हूँ अपने, ज्यादा पढ़ने वालों को नहीं पढ़ना, तू लिखना शुरू कर दे, लोग तुझे पढ़ेंगे. वेरी नाइस सिंस एवरी वन इन द क्लास आर लिटरेचर स्टूडेंट्स, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लिटरेचर पढ़ते हैं ना, उनको अपना खुद का भी लिखना चाहिए शुरू से. तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वाई ऑलवेज टू रीड हिस्ट्री ऑफ द लिटरेचर, क्रिएट लिटरेचर. Exactly. Create history and let other people to read that. Great. हाँ, लेट द कमिंग स्टूडेंट रीड योर लिटरेचर ऑल्सो. Great. Great to hear that, sir. Very inspiring, very motivational. Thank you so much for joining us and Thanks, sir. motivating and Thanks. inspiring us. Nice Thank talking you. to you. Thank you. Best of luck to everyone. Sir. Okay, sir, it's a very nice interaction with you and your husband also. Any last message to all those people who could not make this time? Don't blame yourself, not at all. Still keep trying Okay. and give it one more best shot. Consider it your last shot. Give it the best and then leave it rest on whomever you believe or you don't believe, whatever it is. Just give your best shot and be consistent. You cannot let loose if you want to, you want to clear net. Consistent, smart study, and luck. Actually, great to hear that. Thank you so much, Vinita ji, and everyone for interacting. And we are going to start the next session from 29th of January. Please be prepared for that.